बचपन में किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया अहिल्या ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रेनू को बड़े प्यार से दुल्हन बना रही है अहिल्या, आपको याद होगा क्योंकि ये उन्होंने प्रॉमिस किया था यूनिवर्स के सामने। नदी चल रही है, अहिल्या छोटी है वहां पे खड़ी है और ये उसने तब कोशिश की थी कि रेनू के जीवन में सुधार हो, उसको सुख मिले, मगर तब उसकी चली नहीं। उसने बहुत कोशिश की मगर फिर उसने अपने आप से वादा किया। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अहिल्या की आंखों में आंसू है, वो रेनू को दुल्हन बना रही है। मुझे तो सीन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें थोड़ा ज्यादा डूब जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो सखियों का प्रेम है ये सच में मिसाल के काबिल है। दोनों इतनी अच्छी सखियां हैं, मित्रता की सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि एक दूसरे के लिए इतना सोचती हैं, खुद को पीड़ा दे लेती हैं मगर दूसरे की पीड़ा सहन नहीं कर पाती हैं। ये प्यार है इन दोनों सखियों का। तो जब ये प्यार हम देखते हैं तो मुझे सच में अच्छा लगता है कि जब इतना प्यार है तो वहां बहुत ज्यादा नफरत भी होगी ना, तब भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि बाकी सब तो नफरत वाले लोग हैं ना, वो तो नफरत करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर ये प्यार अटूट है। बचपन से लेके अभी तक, जब अहिल्या की शादी नहीं हुई थी तब भी, क्योंकि जब वो उसको रेनू को सजा रही है तो उसको याद आता है, रेनू को भी उसको भी, कि कैसे इसके केस काटे गए थे जब ये विधवा हुई थी और रेनू कैसे रो रही थी, अहिल्या कैसे अपनी सखी को बचाने की कोशिश कर रही थी। और ये पूरा का पूरा जो हमने देखा है, आगे भी देखेंगे मंडे को आगे के एपिसोड में देखेंगे, तो पूरा का पूरा ये जो चंक है ना, एक बहुत बड़े, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े दिन को इनवाइट करता है, एक ऐसे डे को इनवाइट करता है जिसमें कि लोग पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं, नफरत को पीछे छोड़ते हैं। उस समय भी जहां इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी तो वहां पे इतना प्यार भी था, तभी समाज और ये सब चीजें बची रही और हम तक पहुंची। अहिल्या को वो सारी चीजें याद आना जरूरी है दोस्तों, रेनू को भी याद आना जरूरी है। और रेनू कितनी सुंदर लग रही थी, बाकी जिनका काम है जो मिला हुआ है उनको वो तो उन्होंने करना ही करना, मगर इन्होंने इस बात की जो मिसाल कायम की है कि कुछ भी हो जाए मगर मैं अपनी सखी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूं। रेनू को देखा आपने कितनी चोट लगी थी, उसको मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा था, उसने शिव जी की मूर्ति अपने कमरे में बनाई, चोट लगी हालत में भी उसके ऊपर जैसे लोगों के हमले हो रहे थे, उस हालत में भी वो अहिल्या के बारे में सोच रही थी कि अब अहिल्या ने मेरा साथ दिया है, मुझे यहां बचाया है, खंडेराव ने बचाया है, अब अहिल्या को जो है अपनी सासूबाई से डांट पड़ रही होगी क्योंकि वो जानती है। तो ये जो प्रेम है ना सखियों का, इसकी मिसाल जो है जितनी दे उतनी कम है। और अब अहिल्या का मन भी शांत हो जाएगा क्योंकि उसने एक वचन जो छोटी अहिल्या ने लिया था कि मैं बड़ी होके ये काम जरूर करूंगी, रेनू की लाइफ में सुख जरूर लेके आऊंगी, और वो उसने कर दिखाया। और ऐसा नहीं कि आसानी से हो गया, आप सब गवाह हैं इस बात के, बहुत मुश्किल हुई मगर कर दिखाया, क्योंकि यहां डिटर्मिनेशन पक्की होती है, नीयत अच्छी होती है, वहां परसिवियरेंस के साथ आप अपनी विक्ट्री को कर सकते हो, रिपोर्ट भी कर सकते हो, आप अपनी विक्ट्री को रजिस्टर कर सकते हो, आप अपने मन में विक्टर बन सकते हो, आप समाज में एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। इसलिए अहिल्या देवी की बात आज हम कर रहे हैं 21वीं सदी में। तो मुझे ये सखियों का प्रेम बहुत अच्छा लगा, ऐसा प्रेम जो है वो बहुत अच्छे फल लेके आता है। आप बताइए, आपका किसी अपनी सखी या दोस्त या कोई भी है किसी के साथ ऐसा प्रेम है? डेफिनेटली होगा, आई एम श्योर। तो बताइएगा अगर कमेंट सेक्शन में, मन करे तो देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.